नमस्कार बच्चों, हम सब भारत माता के बच्चे हैं, यानी हमारा भारत देश हमारे लिए माता का स्वरूप है। इसलिए अपनी माता पर कोई शत्रु हानि पहुंचाए या आक्रमण करे तो हम सब एक साथ मिलकर भारत माता की रक्षा करनी चाहिए। उनके लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए भी हम तैयार रहना चाहिए। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं तृतीय भाषा हिंदी मेरा देश मेरी माँ पाठ पढ़ेंगे, यानी तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ। पाठ का रूपरेखा, विधा और आशय, नए शब्दों के अर्थ, टिप्पणी, पाठ का सारांश, प्रश्नोत्तर। अब हम पाठ की ओर चलेंगे। मेरा देश मेरी माँ। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शत्रु से देश की रक्षा करने के लिए नागरिकों को सबसे पहला कार्य करना है देश की रक्षा। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि देश की रक्षा ही हमारा प्रथम और प्रधान कार्य है। तो हम यहाँ पर पीटी के देखे हैं। अब हम चलते हैं पाठ की ओर, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था, किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण रहता है, यानी कोई भी आशंका, यानी कोई भी शत्रु की हानि या आशंका क्षति के बारे में किसी को चिंता नहीं रहती, सब शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तभी दुश्मनों ने अपने भारत देश पर आक्रमण कर देता है। तब अचानक हुए इस हमले से भारतीय सेना चौंक जाती है। छुट्टियां बिताने के लिए जो सैनिक अपने घर आए हैं उन्हें तुरंत आने की आदेश मिलता है, यानी सूचना मिलती है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि छुट्टियां बिताते हुए भारतीय सेना को जब सूचना मिलती है कि तुरंत वापस आने की, तभी एक मेजर जब इस सूचना का पालन करते हुए तैयारी करते हैं और अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तभी उस माँ को ममता जाग उठती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। मेजर को भी अपनी माँ से बिछड़ने का दुख, यानी अपनी माँ से दूर होने का दुख से वो भी दुखी हो जाते हैं, पर तुरंत उन्हें मातृभूमि का स्मरण हो जाता है, मातृभूमि की याद आ जाती है, उनका कर्तव्य उन्हें याद आता है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा। जब वो तैयार हो जाते हैं तो उनकी माँ ने मेजर की माँ सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बेटे,
इस समय हर एक नागरिक का प्रथम कार्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। यह हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है। तो जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। हिम्मत ना हारना, धैर्य से दृढ़ता के साथ इस युद्ध का तुम सामना करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इस बात को वो माँ कहती है। और याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। और एक बात को याद दिला देती है कि तुम भारतीय सेना हो, यानी कि तुम भारतीय सैनिक हो। भारतीय की परंपरा है कि सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यानी हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, दृढ़ता से सामना करना चाहिए। इस भावचित्र में हम देखते हैं कि आशीर्वाद लेते हुए पुत्र को, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र को सिर पर हाथ रखते हुए माँ आशीर्वाद देती है कि बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करना। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा होता, बहुत भीकर भयानक रूप से युद्ध फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। और प्रश्न था कि इस अभेद्य न तोड़ने वाली दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन निभाएगा? इस बात पर चर्चा हो रही थी, प्रश्न उठ रहे थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन इस दायित्व को स्वीकार करता है। यहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इच्छोगिल नहर का सामना किस प्रकार से हो रहा है। दुश्मन लोग यानी शत्रु किस प्रकार से युद्ध भूमि में उतरे हुए हैं, लड़ाई किस प्रकार से कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांवों से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्य आसान नहीं था, दिल दहलाने वाली गोलियों की पुकार से यानी यहाँ के शोर से कानों के पर्दे फट रहे थे। कार्य इतना आसान नहीं था। सीधा कोई इस कार्य का दायित्व स्वीकार करता है तो वो सीधा मौत के मुंह में जा गिरता है। पर वीर कभी मौत से भयभीत नहीं होते। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लेते हैं। ये वीर कौन है? ये गांवों से आए हुए वही मेजर थे जिसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिए हुए आए थे। ये मेजर मौत की परवाह किए बिना मोर्चा संभाल लिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली ये गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। इतनी ज़ोरदार लड़ाई में वो किसी की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की रक्षा ही मेरा परम कर्तव्य है, इस बात को याद रखते हुए गोलियों की शोर से ना डरते हुए उन्होंने इस युद्ध में आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए यानी कि अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। इस भावचित्र में हम देखते हैं कि आमना सामना किस प्रकार का हो रहा है, किस भयभीत रूप से ये युद्ध चल रहा है। इस भावचित्र से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया है। ये वीर ही मेजर थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इच्छोगिल नहर किस प्रकार है। यह इच्छोगिल नहर, यहाँ पर प्रश्न उठा के इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इस अभेद्य दीवार को तोड़ने वाली दायित्व मेजर ने निभाया है। अब हम चलते हैं दूसरी ओर, यानी याद रखने की बात है। यह 1965 शाम की घटना है। अचानक दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण किया। छुट्टी बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के लिए आदेश दिए गए। मेजर को जब आदेश मिलता है तब उन्होंने अपनी माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। युद्ध भूमि को जाते हुए मेजर को माँ
आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। अब हम चलते हैं दूसरी ओर। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजर पर देशभक्ति का पूरी तरह से जोश था। उन्होंने मौके का इंतज़ार तक नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। वो किस प्रकार आगे बढ़ते रहे, यानी धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं, माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आ कर उनके सीने में घुसती गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दुश्मन के कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई जोरदार आती हुई मेजर के हाथ और पेट में घुस जाती है। मगर मेजर उस बात को याद करते हैं कि माँ ने जो कहा, उस शब्द को याद करते हैं, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं, ये शब्द याद आ जाते हैं। तो वो शब्द, माँ के शब्द उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वे आगे बढ़े और दुश्मनों का सामना करते रहे। विजय प्राप्त करना ही उनका प्रथम कार्य है। वे चोट की परवाह नहीं किए, वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं और गोलियां आ आ कर उनके सीने में घुसती जाती है। इस दृश्य को हम देख सकते हैं किस प्रकार दुश्मन गोलियों का गोलीबारी करते हैं, इस दृश्य में हम देख सकते हैं। स्थिति को समझते हुए उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी। मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्थिति समझते हुए अधिकारियों ने पीछे हटने का आदेश जारी करते हैं, पर मेजर के कदम पीछे नहीं आते, नहीं रुकते। वे अपने कदम पीछे नहीं लेते मगर आगे बढ़ते हैं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त करते हैं और विजयश्री को अपने गले लगाकर ही उन्होंने अपना दम लिया। तुरंत ही उन्हें अमृतसर के सैनिक अस्पताल में लाया जाता है। तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों पूछते हैं, दुखी होते हुए अधिकारियां उन्हें पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, क्योंकि उनका सीना पूरी तरह जख्मी हो चुका था। गोलियां सीने में कसक रही थी, दर्द दे रही थी, पर मेजर के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वो कहते हैं कि हाँ है, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, मेरी माँ तक मेरा संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, उनके बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। कहीं के मेजर को अमृतसर के अस्पताल में लाया गया, ये भावचित्र है। किस प्रकार अधिकारियों ने मेजर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है। जानते हैं बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी।
जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये बहादुर अफसर यानी भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने अपनी माँ के वचनों का पालन करने के लिए मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बलि दे दी। दीपक बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रही। दीपक तो बुझ जाता है पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को रास्ता दिखाती है। यहाँ पर याद रखने की बात है, दुश्मनों के सारे टैंकों को नाश करके विजय प्राप्त कर लिया। तुरंत ही मेजर को अमृतसर के मिलिट्री अस्पताल में ले आए। अधिकारियों ने मेजर को पूछा कि आप ही कोई अंतिम इच्छा है? मेजर हंसते ही कहा कि हाँ है, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियाँ सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। ये वीर मरण प्राप्त बहादुर ही आशाराम त्यागी हैं। ये है वीर शहीद आशाराम त्यागी का भावचित्र। तब तक के लिए हम अगला प्रश्न अभ्यास, प्रश्नोत्तर विधि और व्याकरण विधि नेक्स्ट भाग में जानेंगे, पढ़ेंगे। अब हम पाठ का पूरा सारांश पढ़ेंगे और पाठ को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।